बहुत अच्छे दोस्तों। चलो अब सोने के पहले गाना हो जाए। सोने चलो, सोने चलो, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। कैसा लगा? ये तुमने क्या किया हेनरी? साथ में मस्ती करने का पहला रूल, एक घर बनाओ। एक घर? एक घर, और उस घर में होगा एक कंट्रोल रूम जो सीधे पहुंचाएगा स्पेस में। क्या सच में? तुम लोग हेनरी की बातों में मत आओ, वो सिर्फ हमारा खेल बिगाड़ना चाहता है। ठीक, कितना गंदा है तू लल्लू। मैं तो बस तुम लोगों को मस्ती का एक आइडिया दे रहा था, समझे? तो क्या तुम सब तैयार हो? कौन आना चाहता है स्पेस का चक्कर लगाने? मैं। नहीं। आप, मुझे लगता है। टेक ऑफ के लिए तैयार हो? विंग कमांडर गॉर्डन, 3, 2, 1, वुश! क्या बात है? चलो जाने दो, तो हम कहाँ थे दोस्तों? जल्दी सोने चलो, जल्दी सोने चलो। डिंग डैंग डोंग, डिंग डैंग डोंग, सोने चलो, सोने। और तेज विंग कमांडर। हमें तो स्पीड कंट्रोल में करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। वाह, अंदर कितना मजा आया। थैंक यू हेनरी। वेलकम विंग कमांडर गॉर्डन। अब क्या करना चाहिए हमें? अब चलो हम फूल बनाते हैं। या भूत की कहानी सुने? हाँ, घर के अंदर। कूल। क्या मैं भी आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ। ओह, तुमने सुना क्या? ओह छोड़ो भी, बच्चे हैं, मस्ती कर रहे होंगे। मैं देख कर आती हूँ कि सब ठीक है या नहीं। मामा, मामा। बेटा, सब कुछ ठीक है ना बेटा? मामा, हम भूत की स्टोरी सुना रहे हैं। अरे वाह, मजे करो बच्चों। गुड नाइट, प्यारे प्यारे बच्चे। बाप रे, कितना डरावना था। हाँ सच में। हेनरी, एक और कहानी सुनाना। क्यों ना एक परियों की कहानी सुने दोस्तों। एक बार कई साल पहले एक नन्ही सी परी रहती थी, उसका नाम था प्रिंसेस। चलो टाइम हो गया अगरम बगरम खाने का। अगरम बगरम खाना? अगरम बगरम खाना नहीं खाओगे तो साथ में रहने का मजा क्या रहेगा? अगरम बगरम खाना। चलो सब, मेरा मतलब ये सब ठीक नहीं है। चलो ना पीटा। तुमने कुछ सुना? नहीं, मुझे कुछ सुनाई दिया। हाँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हेनरी, डैडी आ रहे हैं। जल्दी छुपो। ओह, म्याओ म्याओ। हम बच गए। हाँ सच में, थैंक यू म्याओ म्याओ। हेनरी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब देखो मेरा कमाल। कोई बात नहीं, फेरी केक फ्रिज में नहीं है हेनरी। हाँ मुझे पता है, पर और भी चीजें हैं यहाँ पे। It's so easy being me, I'm Hard Henry.
मार्गरेट के बॉडी के अंदर एलियंस घुस गए हैं। माना कि मार्गरेट बहुत ही, पर वो एलियन तो नहीं हो सकती। अरे वो है, वो बहुत प्यारी हो गई है और अब दुनिया पर हमला करेगी। ये एलियंस दिखते कैसे यार, चड्डी पहनते हैं क्या? देखो वो आ रही है। ऐसा क्यों? Hey, ये क्या कर रहा है तू? साबित कर रहा हूँ कि मार्गरेट एलियन है। ये ले, जाकर मार्गरेट के ऊपर गिरा दे। तू पागल है क्या? मुझे वो थप्पड़ मारेगी। नहीं, वो कुछ नहीं करेगी, वो बहुत प्यारी है। गिरा दे। राल्फ, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी। कोई बात नहीं, डॉग ही तो है, निकल जाएगा, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। लवली। हाँ लवली, चलो जल्दी करो, लवली में सभी बुला रही है। प्यारी प्यारी प्यारी, ये एलियंस हैं सारी। अब हम क्या करेंगे? हमें उनको रोकना होगा। पर शायद एलियन बनकर मजा आ रहा होगा। मजाक कर रहा था। हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, चलो राल्फ। प्यारी हूँ मैं, प्यारी हूँ मैं, प्यारी हूँ मैं, प्यारी हूँ मैं। तुम सब कैसे हो? लवली मिस लवली। बहुत अच्छे, चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं। लवली एलियंस की लीडर है। बेचारी मार्गरेट, ये मैं क्या बक रहा हूँ? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? कचरा साफ कर रहे थे। बकवास बंद करो और प्रिंसिपल मिस के ऑफिस जाओ अभी। देखा, ये चिड़चिड़ी अभी तक एलियन नहीं बनी है, हमें किसी को तो बताना ही होगा। लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा। शायद प्रिंसिपल मिस मान जाए। हाँ हो सकता है, देखते हैं। क्या बात है हेनरी? प्रिंसिपल मिस, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कितनी प्यारी धुन है, ये मेरा पसंदीदा गाना है। दिल खुश हो गया। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे हेनरी? कुछ नहीं मिस। वो हम जाएं मिस, हमें भागो। प्यारे बच्चे हैं। नहीं नहीं बच्चों, प्यार से रहो और प्यार से बातें करो। वो सब के सब एलियंस बन गए हैं। अब हमारा नंबर है। ओ, ओ, बारिश होने लगी। हाँ, बारिश हो रही है। एक मिनट रुको, बारिश मतलब पानी। आइडिया, फटे। एलियन सिर्फ पानी से डरते हैं। हाँ हेनरी, इसीलिए सबके सब स्कूल के अंदर छिपे हुए हैं। हाँ यार, पर मेरे पास एक आइडिया है, चला जा। इससे काम हो जाएगा। निकलो, बाहर निकलो। अरे इमरजेंसी है। इमरजेंसी है, हमें बाहर जाना चाहिए। ऐसा क्यों? सबको बाहर जाना है। सब लोग बिल्डिंग छोड़ो। चलो लड़कियों, जल्दी बाहर निकलो, लेकिन भागना नहीं। चलो जल्दी बाहर निकलो। भागो, सब भाग रहे। देखो बच्चों, संभल के जल्दी जल्दी भागो नहीं। सब लोग बिल्डिंग छोड़ो अभी, अभी की अभी बाहर निकलो। वेरी गुड हेनरी, अब मैं ये सब संभालती हूँ, तुम भी बाहर जाओ। क्या मैं आपका छाता ले सकता हूँ मिस? हाँ हाँ क्यों नहीं, लो। मैं प्रिंसिपल मिस बोल रही हूँ, सब लोग बाहर जाओ। काम बन रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। हेनरी, मुझे तेरे साथ छाते में खड़ा रहने दे। कभी नहीं। अरे
अच्छा, ये कीड़ा क्या गुल खिला रहा है? अरे हेनरी, अरे मेरे चाय का क्या हुआ? हेलो छोटू कीड़े, डरो मत मुझसे, मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। हाँ? क्या रे बदबूदार कीड़े, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो हेनरी? ये फूलों का बगीचा है, इस पर नहीं चलते, यहाँ सबसे कम पाए जाने वाले कीड़े रहते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ से सारे कीड़े निकालने ही पड़ेंगे, खासकर एक गंदे रेड और येलो कीड़े को भी। निकल जाए यहाँ से अभी। डैडी, हेनरी मुझे सता रहा है। बाय कीड़े। ये मार्गरेट कहाँ चली गई? उसकी इतनी हिम्मत? लग गया मुझे। लड़की जैसे क्यों रो रहे हो? गलती से कीड़े को उठा लिया, उसने मुझे काट लिया, मैं बचूंगा नहीं, मुझे बचा लो। तुझे क्या हो गया लल्लू? चल अब पीछे पीछे आ। क्या मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? हाँ शायद तुम्हारी उंगली भी काटनी पड़े। हाँ? मेरी नाक। ये अंकल मुझे तुम्हारी नौकरी के बारे में बता रहे थे। और तू? ओह हाँ, थैंक यू। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी मदद। ये अंकल बोला कि मैं तेरी मदद कर सकती हूँ और तेरी सैलरी का आधा हिस्सा भी ले सकती हूँ। लेकिन ये मेरी नौकरी है। लेकिन ये तुमसे अच्छी चाय बनाती है, सच में। तो अब हम दोनों साथ में सब पे नजर रखेंगे, समझा हेनरी? तेरी इतनी हिम्मत मार्गरेट, तूने मेरी नौकरी चुरा ली, देख लूंगा। वाह! मैंने जो काम बताया था वो किया क्यों नहीं? हाँ वो मार्गरेट ने। अब मैं समझा, वो तुम लोगों को भी खरीद चुकी है। चल उसने जो बोला है उसका डबल मैं तुम लोगों को दूंगा। ऐसा क्यों? ट्रिपल दे दूंगा। दिल पक्की। मार्गरेट तो गई काम से। तुम लोग 3 ग्राम में फिर बिक गए। वो जो देगा उसका 4 गुना मैं दूंगी, समझी? ओ ठीक है। जा जा राजकुमारी, जल्दी हाथ चलाओ। और ये तैयार हुआ सबसे अच्छा घर उस कम पाए जाने वाले कीड़ों के लिए। और यहाँ देखो मेरा हाय, मेरे फ्रेंड्स को मेरा काम करने से रोक रहा है यहाँ। मुझसे दूर रहो हेनरी। सुन, मैं बहुत बिजी हूँ आज और तू मेरे रास्ते में मत आ, समझा कीड़े? मैं इस गार्डन की सुरक्षा कर रहा हूँ सबसे कम पाए जाने वाले कीड़ों के लिए। मेरे पार्क से निकल जाओ अभी। लेकिन मैंने तुम सबको और भी काम दिए थे ना। क्या? रुक जा, इस पार्क का बॉस सिर्फ और सिर्फ हेनरी है। यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है। चल नींद से उठ और जल्दी जल्दी हाथ चला लिंडा। ठीक है। हाँ जा चूजे, जहाँ मैं बोलूँ वहाँ तू करेगा, ठीक है? मैंने कहा वहाँ नीचे की तरफ चलाओ। नहीं ऊपर। नीचे। ऊपर। सुनो क्या है? रोलो। नहीं। रोको से। रोको से। बस करो हेनरी, तुम प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं हो।
तुम यहाँ आकर मेरे अपने ऑफिस में आकर मुझसे ये कह रहे हो, वो भी लंच टाइम में, आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है, मंजूर है तो बोलो। स्कूल ग्राउंड के 30 चक्कर काटो और फिर ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाओ, मान जाओ वरना स्कूल से निकल जाओ। शायद अब मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा क्यों? तू तो रॉकस्टार है हेनरी, आज तक का सबसे फेवरेट प्रिंसिपल। हाँ मैं जानता हूँ, आ जाओ। तूने मुझे बुलाया क्या? तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? आपने मुझे बुलाया हेनरी प्रिंसिपल सर। हाँ मैंने सोचा आज तुम्हारे हाथ की चाय हो जाए। तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया, घटिया हेनरी सर। तुझे हेनरी का नौकर बनके बड़ी खुशी हो रही है ना? ऐसा क्यों? रास्ता साफ है। अब सुनो, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे इस महान स्कूल पर एक बुरे साये ने कब्जा कर लिया है, मेरा अपना भाई प्रिंसिपल हेनरी। घर पर तो उसने मेरी लाइफ मुश्किल कर दी है, अब स्कूल की भी मेरे जैसी हालत करना चाहता है वो। हाँ? हेनरी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अब बस मैं और नहीं सहूंगा। बोलो मेरे साथ, हेनरी वापस जाओ। दोस्तों में बड़ी हिम्मत आ गई है कीड़े। अब मुझे हेनरी सर को तुम्हारी इस गद्दारी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मुझे कभी किसी ने पनिश नहीं किया, अब कितने देर यहाँ रुकना होगा? मुझे क्या मालूम, मुझे मिस ऑडबोर्ड वापस चाहिए। मुझे मेरी डेप्यूटी हेड की पोस्ट वापस चाहिए। मुझे हेनरी से अपना बदला चाहिए। अब शायद हम घर जा सकते हैं। फोन, असली का फोन। मैं स्कूल से बोल रही हूँ, हेनरी की कंप्लेंट करनी है। नहीं तो, पर आपको फोन किसने किया था? अगर हेनरी को पूरे क्लास के साथ रहना होगा तो शायद आप उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकते हैं। ऐसी बात है तो ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया उसे। ओह शुक्रिया राल्फ, और तुम्हारे प्रमोशन पर बधाई हो बेटा। संभल कर जाइएगा। एक्स्ट्रा होमवर्क, पागल हो गया है क्या? पर उन्हें भगा तो दिया ना मैंने। कौन है ये, क्या है? इस टर्म के फाइनल रिपोर्ट बुक्स हैं। आपको ये सब भरने होंगे प्रिंसिपल सर। इसमें तो सालों लग जाएंगे। इसका मतलब इस साल की छुट्टियां कैंसिल। 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 आप सबको दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रहा है? वो स्कूल का हुलिया बिगाड़ रहा है, हमें गंदे बर्गर खिलाकर और घटिया गाने गवाकर। हेनरी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो, मैंने अपनी आँखों से देखा है और सुना है। इस साल की छुट्टियां कैंसिल। इस साल की छुट्टियां कैंसिल। इस साल की छुट्टियां। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सब बोलो, हेनरी वापस जाओ। हेनरी वापस जाओ। हेनरी वापस जाओ। हेनरी वापस जाओ। अब देखते हैं तुम्हारा क्या होता है प्रिंसिपल हेनरी सर। फेवरेट, शायद इन लोगों की सोच बदल गई है, तुझे ये लोग भगा कर ही रहेंगे। इससे पहले मैं यहाँ से 9 to 11 हो जाता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? मिस ऑडबोर्ड को बुलाने, उनको ये नौकरी मुबारक हो। मैं भी आता हूँ, रुक जा।